उज्जैन में उमा भारती ने कहा है कि राम का नाम बीजेपी की बपौती नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर, पार्टी से लगातार नाराज चल रही है इस कदर उमा भारती कि भूमि पूजन के ठीक एक दिन पहले वो ये कह रही हैं कि राम का नाम बीजेपी की बपौती नहीं। तो उज्जैन में उमा भारती ने ये बयान दिया है जिसमें उन्होंने कह दिया है कि राम का नाम बीजेपी की बपौती नहीं। इससे पहले हमने आपको सुनवाया कि वो प्रधानमंत्री मोदी की सेहत को लेकर चिंतित थी, कहा मैं अयोध्या तो जाऊंगी लेकिन मैं भूमि पूजन के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लूंगी, जब प्रधानमंत्री वहां से चले जाएंगे तब जाके दर्शन लूंगी। और अब वो अपनी ही पार्टी बीजेपी के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए कह रही हैं कि राम का नाम बीजेपी की बपौती नहीं। राम के नाम पे किसी का प्रेजिडेंट नहीं हो सकता। राम नाम अयोध्या भाजपा की बपौतियां नहीं है, ये सबकी है, जो भाजपा में है जो भाजपा में नहीं है, जो भी राम को मानते हो चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी समुदाय के हूँ, और भारत में नहीं बल्कि विश्व के कहीं के भी निवासी हैं जो राम के नाम में आस्था रखते हैं, राम को मानते हैं, वो सब अधिकार रखते हैं कि वो इस बारे में अपनी राय दें। तो चलिए सीधे अयोध्या चलते हैं। सरयू किनारे विकास भदौरिया हमारे साथ मौजूद है लगातार, वहां से आप तक नमस्ते भारत के हर एक अहम खबर पहुंचा रहे हैं। विकास, उमा भारती के इस बयान को किस कदर देखा जाना चाहिए? जी देखो, उमा भारती इस बात से नाराज हैं कि पहले उनको ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण मिला और बाद में उनको ट्रस्ट ने ही उनके निमंत्रण को रद्द कर दिया। जाहिर सी बात है कि राम मंदिर आंदोलन से वो जुड़ी रहीं, बहुत छोटी सी आयु से वो राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रहीं, ऐसे में उनको दुख है कि वो इस कार्यक्रम में नहीं हिस्सा ले पा रही हैं। कल हमने चंपत राय से भी पूछा था जो कि ट्रस्ट के सचिव हैं, उन्होंने कहा कि हमारी उनसे बात हो गई उमा भारती से। और देखिए, उमा भारती ने इस बात की घोषणा कर दी कि जब शिलान्यास का कार्यक्रम चल रहा होगा तब वे शिलान्यास स्थल पर नहीं होंगी, अपनी तरफ से उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। लेकिन यही जो सरयू घाट राम की पैड़ी देख रहे हैं, इसके दूसरी तरफ सरयू घाट है, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि उस वक्त मैं यहाँ रहूंगी। यानी कि उमा भारती ने सीधे सीधे कहें तो दूसरे अल्फाजों में ये बता दिया है कि जब शिलान्यास चल रहा होगा तो उसमें नहीं बुलाए जाने के खिलाफ वो यहाँ धरने पर रहेंगी। जी, तो धरना करना वैसे पुरानी आदत है उमा भारती का, ये उनका अंदाज है, उनका राजनीतिक अंदाज है विकास। लेकिन इन सब के बीच ऐसे मौके पर बीजेपी कतई नहीं चाहेगी, संघ खासतौर पर संगठन और संघ नहीं चाहेगा कि कोई विवाद हो, खासतौर पर उमा भारती जैसी शख्सियत की तरफ से जो कि मंदिर आंदोलन से बहुत पहले जुड़ी रही। क्या मनाने की कोई कोशिश हो रही है? ये देखिए, लगातार पार्टी के तमाम लोग उनके संपर्क में हैं। कल शाम को जब उज्जैन में उनका ये बयान आया जिसमें उन्होंने भाजपा को ही बीजेपी को ही हाशिए पर रखने की बात कर दी और ये कह दिया ठेका नहीं है राम मंदिर का बीजेपी का, उसके बाद से कई वरिष्ठ लोगों ने, चंपत राय ने भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उमा भारती अभी किसी से बात करने को तैयार नहीं है। उनका गुस्सा जो है वो सातवें आसमान पर है। हो सकता है कि शिलान्यास का कार्यक्रम आते आते उनकी ट्रस्ट के लोगों से या बीजेपी में पार्टी के किसी दूसरे नेताओं से बात हो जाए और उसके बाद वो सरयू यानी कि सरयू के तट पर और अयोध्या आने का कार्यक्रम ही रद्द कर दें।